अभी वक्फ बोर्ड पर अमेंडमेंट आने वाला है, उसको किसे सौंप दिया गया है? जेपीसी। वक्फ बोर्ड वो जमीन थी जो भारत पाकिस्तान इसमें ट्रिब्यूनल होता था और ट्रिब्यूनल में वक्फ बोर्ड के ही मेंबर होते थे। इसमें गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, आप देखिएगा। लिखा होता है कि देखिए संसद में समिति का काम क्या होता है और ये कमेटी बनाई क्यों जाती है, समझ कीजिए। एक आदमी सारे कोई भी बड़ी और लोगों का ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वहां सबके अपने अपने काम होंगे, लेकिन अगर किसी खास काम की जिम्मेदारी दे दी जाए, अगर जाए इसको देखना तो कोई नहीं देखेगा। जैसे आप देखिएगा लिखा होता है कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करें, वो किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, इसलिए सारा लोग मिलकर चौपट करता है। समझाया कि नहीं गया? वैसे ही अगर आप लोग मान के चलिए बदमाशी कर रहे हो तो हम इसमें एक समिति बना देते हैं 10 बच्चों का। किसका? 10 बच्चों का समिति बना देते हैं कि तुम ही लोगों का काम है हमको सूचना देना, और 10 बच्चों की समिति हमको सूचना दे देती है। जैसे आज ही हमको सूचना दे दी थी, 10 बच्चों की समितियों ने सूचना दिया था, थुराया था सब यहाँ पर। समझाया कि नहीं गया? ऐसा तो है सब, झगड़ा कर रहा है सब। नहीं समझ में गया? सीट पे लिखा रहा है कि गरीबी रेखा के कारण फीस देने में समर्थ नहीं है। नहीं समझ आ गया? रसीद पे लिखाया है कि फीस देने में समर्थ नहीं है। समझ आ गया? समय दे दिया जाए अतिरिक्त, यहाँ बैठ के फटानी। नहीं समझ आ रहा है? अधजल गगरी छलकत जाए। और ये हाँ, ये यहाँ अब हम लोग की बिहार की ये समस्या है। यहाँ पर घमंडे मातल रहते हैं सब आदमी, EMI का फोन लेके बैठेगा, बुराया सब। सुबह सुबह समिति बना देते हैं, वैसे लड़की सब में कुछ समिति बना देते हैं, लेकिन अब ये लोग लड़की सब की सूचना दे देगी यहाँ पर अपनी समिति बना के। तो समिति क्या होता है, उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों का ग्रुप बना दिया जाता है जो किसी खास काम पे काम कर रहे होते हैं समिति का। समझ आ गया कि नहीं गया? तो ऐसे ही संसद में, लोकसभा में भी इतने लोग होते हैं, राज्यसभा में। समझ आ गया कि नहीं गया? लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह सदस्य होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में अगर कोई विशेष काम करना है तो उसकी क्या बना दी जाती है, समिति बना दी जाती है। अब उस समिति को विशेष काम सौंप दिया जाएगा। अब जैसा काम सौंपे अध्यक्ष, या इधर में जैसा काम सौंपे सभापति। अब ये सब लोकसभा में रहेगा तो अध्यक्ष, राज्यसभा में रहेगा तो सभापति। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब कई बार जेपीसी बनाई जाती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, JPC। अब इसमें लोकसभा का भी रहेगा, राज्यसभा का भी रहेगा। अब इसको लीड कौन करेगा? अलग अलग चीज हो जाते हैं लीड करने के लिए जेपीसी में, तो इसको कौन लीड करेगा? जैसे अभी वक्त बोर्ड पर अमेंडमेंट आने वाला है तो उसको किसे सौंप दिया गया है? जेपीसी को, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को। कि सोच के बताइए इस वक्त बोर्ड में और क्या अमेंडमेंट हो सकता है। अब वक्त बोर्ड पे जैसे वो लोग अमेंडमेंट करके लाएंगे तब तक हम आप लोग को समझा देंगे। समझा गया? अभी फिलहाल के तौर पर समझिए कि वक्त बोर्ड वो जमीन थी जो भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो यहां से बहुत सारे मुस्लिम कहां चले गए, पाकिस्तान चले गए। तो उनकी जो जमीनें रह गई वो एक बोर्ड को सौंप दिया गया, वक्त बोर्ड को, और कहा गया कि ये जमीनों को ये बेच नहीं सकते हैं। वक्त बोर्ड की जमीन वो बेच नहीं सकते हैं। हाँ, इसे रेंट पे लगा सकते हैं, अनाथ आश्रम खोल सकते हैं, अस्पताल खोल सकते हैं, समाज की भलाई के लिए काम कर सकते हैं, बट बेच नहीं सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो जमीन है। दिक्कत कहां आई कि जमीनी विवाद तो आजादी से पहले भी चल रहे थे, उस समय भी जमीन के विवाद होंगे और अभी भी जमीन के विवाद है। तो दो तरह का विवाद इसमें ज्यादा आ गया। एक तो है नहीं यहाँ पर, अब उसके जिसका है ये नहीं तो विवाद, अब 5 बीघा छोड़ के गया, कोई 6 बीघा कह दे तो ये तो पकड़ के उसको लाया, तो पूरा उसका लेखा जोखा तैयार करो। अब इसमें ट्रिब्यूनल होता था और ट्रिब्यूनल में वक्त बोर्ड के ही मेंबर होते थे। अब इसमें गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी क्या नहीं, जब इस पे रिपोर्ट आएगा तो हम समझेंगे। यहाँ पर तो किसी भी चीज की जांच के लिए किसे सौंपा जाता है, समिति के।